छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया है कि वो चौथी बार राज्य में बीजेपी सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुनील नामदेव ने। छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से चुनावी बयार बह रही है। 12 नवंबर और 20 नवंबर को यहां की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ जाएंगे। इस वक्त कारवा लेके मुख्यमंत्री रमन सिंह लोगों को अपना हिसाब किताब देने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या खास है आप ब्यौरा दे रहे हैं, जो उसके मूल क्या चीजें हैं इन 15 वर्षों में? अभी चुनाव का अभियान प्रारंभ करते हुए जो इस 2018 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा भी है कि हमने जो वादा किया था और उस वादे को पूरा किया। 2003 से 18 की यात्रा में छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की कल्पना थी, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और गरीबों के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, वो चाहे खाद्यान्न सुरक्षा हो, पीडीएस में गरीबों के चावल हो, पीडी प्रोक्योरमेंट के लिए एक सिस्टम बनाने का हो, या फिर कौशल उन्नयन में कानून बनाकर लोगों को अधिकार देने की बात हो, स्वास्थ्य सुरक्षा में सबके लिए 50,000 की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के इलाज के लिए व्यवस्था 40 लाख परिवार को देने की योजना हो। छत्तीसगढ़ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसकी सबसे बड़ी कमी थी। आज मैं छत्तीसगढ़ में अभियान की शुरुआत मैंने बस्तर से आज किया, दोरनापाल से मैंने शुरुआत किया, तो मैंने वही उनसे कहा कि आज छत्तीसगढ़ को 2003 का उस समय की सड़कों की हालत, उस समय के रेलवे की हालत, उस समय पूरे छत्तीसगढ़ को क्या परिस्थितियां थी, किस प्रकार पलायन और भूख से वहां पे मौत हो रही थी। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।